कश्मीर तो बहुत ही अच्छा है, पूरा भारत का नंदनवन बोलते हैं इसको। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस वक्त जो हम सोनामर्ग में हैं और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर क्या है, क्या कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सारे टूरिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, टूरिस्टों के साथ बात भी करवाएंगे आप सब से। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है स्नो की एक चादर बिछी हुई है। मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूँ कि आप वो दिखाएं, वो एक्सप्लोर करें इस जगह को। आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस। अभी तक जो 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 इस जगह नहीं आया है वो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस जगह आइए, आइए हम यहाँ के जो टूरिस्ट है, जो सियाह है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रखते हैं इस बारे में। उनको एयरपोर्ट से लेकर अभी तक किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा, आइए जानते। जी मैम, कैसा महसूस हो रहा है आपको कश्मीर आकर? कश्मीर तो बहुत ही अच्छा है, पूरा भारत का नंदनवन बोलते हैं इसको। जी बहुत सारे लोग, स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग स्वर्ग जैसे लगता है, बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्मीर के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं, या फिर 2016 से जब आपको मालूम होगा कि बहुत सारा दहशत फैल गई है दुनिया में कि कश्मीर अच्छा नहीं, उस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? नहीं, अभी तो हम एज मतलब ट्रैवलर आए हैं तो अच्छा ही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत पीछे पीछे भी लगते हैं। एयरपोर्ट से लेकर अभी तक आपको कोई तकलीफ मत हुई? कुछ नहीं तकलीफ। तो यहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? लोगों से तो ज़्यादा मिलना हुआ नहीं है जी, लेकिन अच्छे हैं जी। थैंक यू। इस वक्त हम सोनामर्ग के एक बड़े पहाड़ पर मौजूद है। यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि जो टूरिस्ट है वो किस तरह अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, वो क्या मान राय रखते हैं सोनामर्ग के बारे में। और एक ख़ास बात यह है कि हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग है वो कहाँ पर हुई है, उसका जो लास्ट शॉट, वो बॉर्डर का जो शॉट था वो कहाँ पर शूट हुआ है, वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से जो है बजरंगी भाईजान की जो शूटिंग हुई थी, ये जो आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में जो है बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। लेकिन हमने बहुत सारी कोशिश की थी कि हम वहाँ उस जगह एक्चुअल प्लेस पर पहुँचे, लेकिन हम नहीं पहुँच सके क्योंकि बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इस पहाड़ के जो पीछे है वो बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी।